हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक नए स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी के बारे में, जिसे हम एक मिनट के चार्ट पे भी यूज कर सकते हैं और पांच मिनट के भी टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हैं और जिसका विन रेट भी काफी अच्छा है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट डूइंग फर्दर लेट। तो पहले तो हमें अपने टाइम फ्रेम को वन मिनट कर लेना है। आप इसे वन मिनट में यूज कर सकते हैं या फिर फाइव मिनट में भी यूज कर सकते हैं, इन दोनों में किसी को भी। बट अभी हम लोग उसको बैक टेस्ट करेंगे एक मिनट के चार्ट पे। इस पर अभी हम लोग क्लिक कर लेते हैं। जैसा कि अभी हम लोग देख पा रहे हैं, यह निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है एक मिनट का टाइम फ्रेम पे। अभी अपने इंडिकेटर्स को ऐड कर लेते हैं। लेट्स क्लिक ऑन इंडिकेटर। Here we have to search for exponential moving average, which is also known as EMA, this one. और इससे हमें दो बार ऐड कर लेना है। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, EMA इस पे ऐड हो चुका है हमारे चार्ट पे। अभी इसके हम सेटिंग्स को और इसके इनपुट्स को चेंज कर लेते हैं। हम लोग पहले EMA के लेंथ को करेंगे 50 और इसके कलर को भी चेंज कर लेते हैं। इसको हम लोग कर लेते हैं ग्रीन और थोड़ा और विजिबल कर लेते हैं इसको, सो दैट कि हमें अच्छे से दिखे। अब इसको हम सेव कर लेते हैं और दूसरे ईएमए पे क्लिक करते हैं। इसके भी इनपुट्स को चेंज करते हैं। इसके इनपुट्स में जाके लेंथ को 9 से 150 कर लेते हैं और इसके स्टाइल में जाके इससे भी विजिबल कर लेते हैं थोड़ा और भी। जैसा कि अभी हम देख पा रहे हैं, ईएमए हमारे चार्ट पे ऐड हो चुका है। अभी अपने दूसरे इंडिकेटर को ऐड कर लेते हैं, नॉर्मल स्टॉकिस्टिक को। इस वाले इंडिकेटर को हमें ऐड कर लेना है। अभी हम इसके भी कुछ सेटिंग्स को चेंज कर लेते हैं। सो लेट्स डबल क्लिक ऑन इट। इसके इनपुट्स में जाके हम लेंथ को 5 कर लेते हैं और स्मूथिंग को भी 5 कर लेते हैं और डी स्मूथिंग को भी, इसको भी 5 कर लेते हैं। टाइम फ्रेम को चार्ट पे ही रहने देते हैं। अभी इसको हम सेव कर लेते हैं। अभी हम बात करते हैं कि हमें ट्रेड लेना कब है। जैसा कि अभी हम देख रहे हैं, ईएमए जो दोनों ऐड है, ये दोनों ईएमए सिर्फ और सिर्फ हमें ट्रेंड के डायरेक्शन को बताएंगे, ट्रेंड किस डायरेक्शन में है। जैसा कि अभी हम देख पा रहे हैं, ट्रेंड नीचे की तरफ है और यहाँ पे 150 ईएमए को क्रॉस किया नीचे की तरफ। तो सिंपली हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 50 ईएमए जब भी नीचे की तरफ क्रॉस करेगा 150 ईएमए को, इट मीन्स कि डाउन ट्रेंड है। और जब भी 50 ईएमए 150 ईएमए को ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा, लाइक जैसे यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं, तो इट मीन्स कि ट्रेंड ऊपर की तरफ है। अभी हम बात कर लेते हैं अपने ट्रेडिंग कंडीशंस के बारे में कि हमें ट्रेड लेना कब है और कैसे लेना है। तो बहुत ही सिंपल हमारे कंडीशंस होंगे। पहले तो अगर शॉर्ट ट्रेड लेना है तो 150 ईएमए को नीचे की तरफ क्रॉस करे, जैसा कि यहाँ पे कर रहा है। और दूसरा चीज ये कि उसके बाद स्टॉकिस्टिक में ओवरसोल्ड होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पे भी हो रहा है। और उसके बाद सिंपली जब भी ये ऑरेंज लाइन ब्लू लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस करे तो हमें यहाँ पे शॉर्ट पोजिशन ओपन करना है और अपने स्टॉप लॉस को रिसेंट स्विंग हाई पे रखना है। जैसा कि अभी हम करके देख लेते हैं, यहाँ पे स्टॉकिस्टिक ने क्रॉस किया, इस पे हम लोग ट्रेड कर लेंगे और हमारा स्टॉप लॉस होगा रिसेंट स्विंग हाई यहाँ पे, और हमारा स्टॉप लॉस होगा 1.5 टाइम ऑफ रिस्क। ऐसे हम यहाँ पे भी देख पा रहे हैं, यहाँ पे भी स्टॉकिस्टिक ऊपर की तरफ गया है ओवरसोल्ड एरिया में और उसके बाद ऑरेंज लाइन ब्लू लाइन को क्रॉस किया ऊपर की तरफ। हम यहाँ पे फिर से शॉर्ट करेंगे, देखिए। और अगर स्विंग हाई अगर कोई ना दिखे या बहुत बड़ा हो तो सिंपली हमें अपने स्टॉप लॉस को 150 ईएमए पर रख देना है, लाइक दिस। और उसके बाद हमारा टारगेट सेम होगा 1.5 टाइम ऑफ रिस्क। तो ऐसा कभी हम देख पा रहे हैं, इजिली हम 20 पॉइंट्स 25 पॉइंट्स इजिली कैप्चर कर पा रहे हैं इस स्ट्रेटेजी से। हम यहाँ पे देख सकते हैं 50 ईएमए 150 ईएमए के नीचे है और स्टॉकिस्टिक ओवरसोल्ड एरिया में गया है और यहाँ पे ऑरेंज लाइन ब्लू लाइन को क्रॉस कर रहा है। तो सिंपली हम यहाँ पे शॉर्ट पोजिशन ओपन करेंगे, हमारा स्टॉप लॉस होगा रिसेंट स्विंग हाई और टारगेट होगा 1.5 टाइम ऑफ रिस्क, लाइक दिस। ऐसे हम यहाँ पे भी देख पा रहे हैं, स्टॉकिस्टिक ओवरसोल्ड एरिया में है और 50 ईएमए नीचे है 150 ईएमए के, इट मींस कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है और यहाँ पे ओवरसोल्ड एरिया में गया स्टॉकिस्टिक और ऑरेंज लाइन ब्लू लाइन को क्रॉस किया इस कैंडल पे। तो सिंपली हम यहाँ पे शॉर्ट पोजिशन को ओपन करेंगे, स्टॉप लॉस रिसेंट स्विंग हाई एंड अवर टेक प्रॉफिट विल बी 1.5 टाइम ऑफ रिस्क, लाइक दिस। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, इजिली हम लोग निफ्टी में 60 पॉइंट्स कवर कर पा रहे हैं। आप इस स्ट्रेटेजी को बैंक निफ्टी में भी यूज कर सकते हैं या फिर आप अगर क्रिप्टो को ट्रेड करते हैं या फॉरेक्स ट्रेड करते हैं तो आप उसमें भी 1 मिनट के टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हैं इस स्ट्रेटेजी को। तो अभी हम बात कर लेते हैं कुछ लॉन्ग पोजिशंस की, हमें लॉन्ग पोजिशन कब ओपन करना है और हमारे क्या कंडीशंस होंगे। तो अभी हम बात करते हैं लॉन्ग्स के लिए। तो लॉन्ग्स के लिए जो भी कंडीशन शॉर्ट्स में थे उसके जस्ट उल्टा कंडीशन इसमें होगा। तो इसमें 50 ईएमए के ऊपर होना चाहिए, जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, इट मींस कि मार्केट अप ट्रेंड में है और उसके बाद सिंपली स्टॉकिस्टिक ओवरसोल्ड होना चाहिए। उसमें ओवरबॉट था तब हमें पोजीशन प्लेस करना था, इसमें ओवरसोल्ड होना चाहिए, जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे ओवरसोल्ड एरिया में आ चुका है स्टॉकिस्टिक और यहाँ पे ब्लू लाइन या ऑरेंज लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस करे, जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे ब्लू लाइन येलो लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस कर रहा है। तो सिंपली हमें यहाँ पे अपने लॉन्ग पोजीशन को बिल्ड करना है और हमारा स्टॉप लॉस होगा रिसेंट स्विंग लो और हमारा टेक प्रॉफिट होगा 1.5 टाइम ऑफ रिस्क, लाइक दिस। जैसा कि हम यहाँ पे भी देख पा रहे हैं, 50 ईएमए 150 ईएमए के ऊपर है, इट मींस कि मार्केट अप ट्रेंड में है और यहाँ पे स्टॉकिस्टिक ओवरसोल्ड एरिया में भी है। तो सिंपली हम इस कैंडल पे अपने बाय पोजीशन को प्लेस करेंगे और हमारा स्टॉप लॉस होगा रिसेंट स्विंग लो, लाइक हियर,
और हमारा टेक प्रॉफिट होगा 1.5 times ऑफ रिस्क लाइक दिस। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं इस स्ट्रेटेजी का एक्यूरेसी बहुत ही अच्छा है और पर्सनली इसको मैंने यूज किया है और इससे बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट हुआ है। तो एक बार आप लोग भी इस स्ट्रेटेजी को यूज करें और अगर आप लोग प्रॉफिटेबल हो इस वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा सो दैट कि ऐसे स्ट्रेटेजी हम लोग और भी लेके आए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।